कायरोप्रैक्टिक है क्या? इस हवाले से जो है प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर असद मिर्साल। सर वेलकम टू द शो। जी वेलकम जी। सर सबसे पहले ये बता दें कि कायरोप्रैक्टिक का मतलब क्या है? कायरोप्रैक्टिक का मतलब है डन बाय हैंड, जो इलाज हाथ से किया जाए आपकी ऑल बॉडी पेन्स को करने के लिए, आपकी स्पाइन को, आपके ज्वाइंट्स को मैनिपुलेट करके, एडजस्टमेंट करके आपकी तमाम बॉडी पेन्स को दूर किया जाए, उसको कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कायरोप्रैक्टिक का इलाज जो है इसमें किस तरह से हम इलाज जो है करते हैं? कायरोप्रैक्टिक फोकस करता है आपकी बोन्स में, आपकी स्पाइन में, आपकी नर्वस सिस्टम में, ताकि ट्रीट किया जाए आपके मसल्स को, आपके टेंडन्स को, आपके लिगामेंट को, आपके डिस्क को, आपके ज्वाइंट्स को, आपकी ऑल बॉडी पेन्स को। जी ठीक है। सर एक ये चीज भी होती है ना, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है फिजियोथेरेपी में और कायरोप्रैक्टिक में कि ये इसका क्या मतलब लिंक है, ये किस तरह से डिफरेंट है? देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट मेन अपना फोकस रखते हैं आपकी मसल्स, आपकी नर्व कंप्रेशन को थ्रू एक्सरसाइज और आपकी स्ट्रेचिंग के जरिए। कायरोप्रैक्टिक मेन फोकस करता है आपकी रूट कॉज के ऊपर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। लेट से कि किसी को अगर गर्दन दर्द है या बैक एक है, तो हम उसकी रूट कॉज में जाते हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में क्या वजह बनी जिसकी वजह से कोई स्वेलिंग आई है, मसल स्पैज़म हुआ है या कोई डिस्क बल्ज हुई है। लेट से कि अगर गर्दन से दर्द हाथों में कंधों में ट्रेवल कर रहा है, तो कोई ना कोई नर्व कंप्रेशन के बायस बना है, तो हम आपकी रूट कॉज को देखते हैं ताकि उसकी नर्व कंप्रेशन को, मसल स्पैज़म को दूर किया जा सके। जी ठीक है। इसमें मेडिसिन जो है वो यूज नहीं कर रहे होते, तो बगैर दवाइयों के जो है ये इलाज किस तरह से मुमकिन है? देखिए, ये एक नॉन इन्वेसिव ड्रग लेस अप्रोच है जिसमें हम विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हमारा मेन फोकस आपकी सिम्टम्स के ऊपर नहीं होता। अगर आपको मेन सिम्टम्स आपकी पेन है, अगर कोई पेन के लिए जाता है, तो हमारा मेन फोकस होता है कि ये पेन ओरिजिनेट किधर से हुई, इसका कॉज क्या है। तो कॉज हम आपकी लेट से कि गर्दन दर्द है, कमर दर्द है या नी की पेन है, तो हम उसमें कायरोप्रैक्टर जो होते हैं आपके मेन सोर्स को देखते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ये मशहूर हुआ है कि कायरोप्रैक्टर से इमीडिएटली बहुत रिलीफ मिल जाता है, जो कि दुरुस्त है, बट उसमें हम आपकी रिलीफ के साथ साथ आपकी मेन कॉज के ऊपर भी काम करते हैं कि आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे आप बात कर रहे हैं इलाज के हवाले से कि आप मेन कॉज पे जाते हैं, ये भी मुझे बता दें कि क्या कायरोप्रैक्टर जो ट्रीटमेंट है उससे तमाम अमराज जो है उनका इलाज मुमकिन है? जी एग्जैक्टली, आपकी ऑल बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ट्रीटेबल होती हैं, बट इट डिपेंड्स कि पेशेंट किस स्टेज पे हमारे पास आ रहा है। कि अगर तो गर्दन दर्द है या सर दर्द रह रहा है, लेट से कि जिस तरह किसी को मीग्रेन का इशू हुआ, चक्कर आ रहे हैं, नींद ना आने के इश्यूज हैं, स्ट्रेस के इश्यूज हैं, एग्जाइटी के इश्यूज हैं, तो इट्स मीन कि उसकी सर्वाइकल C1 के साथ इशू आ रहा है, नेक के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम उसकी सर्वाइकल की एडजस्टमेंट करके, मैनिपुलेशन करके आपके ब्लड फ्लो को बेहतर किया जाता है। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो इन्हांस होता है सर्वाइकल एडजस्टमेंट से, तो आपके सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जी ठीक है। बहुत से लोग जो है ना, हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं, ज्यादातर उनको बैक पेन हो रहा होता है या उनके घुटनों में बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, तो इसका इलाज किस तरह से जो है वो किया जाता है? आजकल तो ये जो आप कह रही हैं कि बुजुर्ग, आजकल तो हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में 15-15 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। वो तो है, मैं बस एक फैक्टर के हवाले से जानना चाहती कि मतलब जो बुजुर्ग हैं उनका किस तरह से हम इस तरह से इलाज कर सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चे हैं। सबसे पहले तो हमें फोकस रखना पड़ता है बुजुर्गों में कि क्लिनिकल एग्जामिन के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि डायबिटीज है, हार्ट इशू है, बोन्स कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हुई है। तो सबसे ज्यादा तो पहले हमें फोकस करना पड़ता है उनकी बोन्स को मजबूत करने के लिए, और साथ फिर देखना पड़ता है कि मसल स्पैज़म के इश्यूज हैं, डिस्क बल्ज के इश्यूज हैं, जॉइंट रिड्यूस हो चुके हुए हैं उनके बीच में, जो लिगामेंट है नी पेन के लिए, तो उसके मुताबिक फिर हम उनका इलाज, एक प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, असद मिर्ज़ा साहब हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अद्वियात के बगैर इलाज किस तरह से मुमकिन है। डॉक्टर असद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मसला यह कि पाकिस्तान में जो है 99% जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज पैनाडोल है, तो क्या पैनाडोल जो है वो वाकई ही इफेक्टिव है, या हम पैनाडोल से किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं? सर बताइएगा। देखिए,
जो मेडिसन्स हैं जो हम पेन किलर्स खाते हैं वो हम लोग तो अट्यून हुए हैं उनके ऊपर के फौरी तौर पे पेन लीवर के तौर पे हमें काम दें, जिस तरह कि आपकी सरदर्द हो गया, मीग्रेन हो गया, आपकी चक्कर आना, नींद का ना आना, स्ट्रेस रहना, इन सारे इश्यूज़ के लिए हमारे घर में तो एनी टाइम मेडिसन्स पड़ी होती हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि हम जो डॉक्टर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कि ये इशू आ क्यों रहे हैं, इसके कोर इशूज़ क्या हैं। आपकी पीछे से ब्लड सर्कुलेशन जो सर्वाइकल से है वो कम हुई हुई है। जब भी आपके चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रही है, आधे सर का दर्द है, मीग्रेन है, तो इट्स मीन कि आपकी सर्वाइकल C1, C2 के ऊपर कोई ना कोई कंप्रेशन नर्व के ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा पा रही और उसके सिम्टम्स के ऊपर आपको ये रिएक्शन हो रहा है कि आपके सर दर्द या गर्दन दर्द या कमर दर्द या फिर आपके आधे सर का दर्द जो मीग्रेन है, ये इश्यूज आते हैं। बट हम उसको सबसाइड करते हैं सिर्फ सिम्टम्स को, कॉज को दूर नहीं करते हैं कि जो पेन आ गई है वो तो आपका सिम्टम आ गया, बट आप उसके कॉज को दूर नहीं करते। तो कायरोप्रैक्टर इसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करता है, आपकी सर्वाइकल एडजस्टमेंट करके एट द लेवल ऑफ C1 C2। जी ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि इस जो है टेक्निक के थ्रू क्या कोई आंख का भी इलाज मुमकिन है? मतलब कुछ लोगों की विजन भी स्लो होती है या उनके आंखों में भी दर्द होता है, तो कायरोप्रैक्टर उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं? जी एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि हम जिसके भी आपकी आंखों पे प्रेशर आ रहा है, दर्द हो रही है, तो इट्स मीन कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हुई हुई है उस जगह के ऊपर। तो कायरोप्रैक्टर सबसे पहले तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इनहांस करता है, जो उसका टारगेट होता है कि आपकी स्पाइनल मैनिपुलेशन, आपकी सर्वाइकल एडजस्टमेंट करके आपकी ब्लड फ्लो को इनहांस करता है और उसके साथ साथ ही आपके सिम्टम्स में भी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक हमारा अमूमन मर्दों में तो ये मसला है ही है, लेकिन खवातीन का ये बहुत मसला है, उनके बालों जो है ना, बालों का बहुत ज्यादा मसला रहता है, हेयर फॉल बहुत होती है, तो क्या कायरोप्रैक्टर्स जो हैं वो इस चीज को भी डील करते हैं, बालों का गिरना कम हो सकता है, उसमें खूबसूरती आ सकती है? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली, आपके सर्वाइकल C2 से हम आपकी एडजस्टमेंट करके आपकी जो ब्लड फ्लो है उसको इन्हांस करते हैं। जैसे ही ब्लड फ्लो इन्हांस होगा आपके जिस्म का हर ऑर्गन रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। जी ठीक है, बात हम कर ही रहे हैं इन सारी चीजों के हवाले से, जैसे आपने चक्कर की बात भी कर ली कि कुछ लोगों को चक्कर भी बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, और मुझे ये बता दें कि सबसे बड़ा मसला खवातीन का बालों के अलावा जो है वो स्किन है, स्किन पे शाइन नहीं है, वो ग्लो नहीं है, तो क्या स्किन के जो इश्यूज हैं उनको भी कायरोप्रैक्टर डील करते हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली डील करते हैं, और आपके चेहरे पे जो खिंचाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, आजकल तो 9 to 5 जॉब के ऊपर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा खिंचाव, बट उसके साथ साथ हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो आप मेकअप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का और कैसा है। बट उसके साथ साथ कायरो जो उसमें डील करता है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस किया जाएगा, साथ ही साथ C2 C3 की एडजस्टमेंट करके आपकी नर्व्स के अंदर फ्लू बेहतर करके आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे फायदे मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को ये भी मसला होता है, रात को सोते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो उनका जो फेस है वो स्वेल हुआ हुआ होता है, इसके क्या रीजन है? कभी एक साइड स्वेल हुई हुई होती है या कभी पूरा ही फेस जो है वो स्वेल हुआ होता है, इसके क्या रीजन हो सकती है? इसमें 2-3 रीजन आ सकती हैं। एक तो एडिमा किस वजह से हो रहा है, स्वेलिंग क्यों आ रही है, तो इसमें कुछ किडनी के पेशेंट्स भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज भी हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑन एंड ऑफ अगर आपके साथ ये रह रहा है और चेहरे पे ही रह रहा है, तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेमेशन कॉज क्यों हो रही है, तो अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नर्व पिंच हो रही है, दब रही है, जिसकी वजह से खून प्रॉपर नहीं जा पा रहा, तो उसमें आपकी सर्वाइकल की एडजस्टमेंट करके हम एट द लेवल ऑफ C5 C6 आपकी स्वेलिंग भी रिड्यूस की जा सकती है। जी ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का ना कमर का टेढ़ापन बहुत ज्यादा होता है, उसको फिर किस तरह से ट्रीट किया जाता है? कायरो का मेन फोकस ही कायरोप्रैक्टर का होता है कि आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट की जाए, आपकी लिडोसिस कर्वेचर को प्रॉपर अपनी जगह पे लेके आया जाए। तो कायरो ट्रीटमेंट है ही इस चीज के लिए कि आपकी स्पाइन को प्रॉपर अलाइन रखा जाए और आपका जो टेढ़ापन है, प्रॉब्लम यह है कि टेढ़ापन एक दिन में नहीं आ रहा। आजकल हम लोगों का जो पोस्चर है, बैठने का जो तरीकाकार है, हम ऑफिस में सिस्टम के सामने बैठ रहे हैं तो स्लाउजी ढीले होके बैठते हैं, कंधे गुरा के बैठते हैं, या टिल्ट होके अपनी हिप बाहर निकाल के बैठते हैं, तो हमारी स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमें
स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन के इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हम थोड़ा सा भी किसी के साथ मॉल में चल रहे हैं, फैमिली के साथ ऑफिस में बैठे हैं, तो बैक एक या गर्दन दंद फौरी आ जाती है। तो कायरो की यही स्पेशलिटी है कि वो आपके कॉज को ओरिजिनली दूर करता है, आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, आपको गाइड करता है और आपके विटामिन को बूस्ट ऑन रखता है, ताकि अगर कोई भी आपको हल्का सा जर्क या कोई वजन उठा लें तो आपको स्पैज़म भी ना आए। डिस्क बल्ज तो दूर की बात है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट कितनी देर में जो है वो किया जाता है, मतलब कितना टाइम लगता है इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए? देखिए, इसमें डिपेंड करता है, अगर तो आप स्पैज़म के लिए आए हैं, जिसको चुक नॉर्मली हम बोलते हैं, जो मसल्स की हद तक ही रहता है, उसमें तो आपको इमिजिएटली एक दो सेशन में ही रिलीफ मिल जाएगा। बट अगर आपको नर्व कंप्रेशन है, जिसको हम डिस्क बल्ज या हर्निएशन बोलते हैं, अगर नर्व कंप्रेशन आ गई है तो उसमें एज टू एज डिपेंड करता है कि अगर आपकी बिलो 40 है तो उसमें रिकवरी बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं, और अगर आप ओल्ड एज में हैं, 60 साल की उम्र में और ऊपर से डायबिटीज भी है, तो उन जैसे पेशेंट्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट फिर भी ट्रीटेबल होते हैं। बट पेशेंट्स को मैं इस कद आपके नाजरीन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि अपनी पेन को बर्दाश्त करने के बजाय अपने जो इलाज है उसको प्रॉपर फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए, ना कि दर्द हम पेन किलर्स मेडिसिन खा के अपने गुर्दों को अपने स्टमक को खराब कर लें और डॉक्टर के पास उस कद जाएं जिस कद आपका इलाज मुमकिन ना हो। जी, अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि जो ट्रीटमेंट है इसको दिया भी जाता है, पेशेंट की भी आपने बात की कि डायबिटिक पेशेंट जो है उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो लोग कैंसर से डील कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों को जो है लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको किस तरह से फिर ट्रीट किया जाता है, उनके लिए इलाज जो है कारामत है? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि आपकी स्टेज होती है, अगर कैंसर हो चुका है, अगर आपको लिवर हेपेटाइटिस ए बी के सिम्टम्स हैं, या अगर आपको जो हार्ट के इश्यूज आ चुके हुए हैं, ब्लॉकेज हो चुकी हुई है, तो उस कैटेगरी में तो पेशेंट हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इन्हांस हो चुका हुआ है, अब उसके केसेस को कायरो डील नहीं कर पाएगा। बट अगर आप इनिशियल फेजेस जो बॉडी पेन्स के लिहाज से है, आप पेन किलर्स के ऊपर हैं, जिस तरह आपने अभी बताया लिवर जो है, यही लिवर जो मैं बता चुका हूं कि डैमेज करते हैं हम हर तरह की पेन किलर्स खा के, तो आप पहले उस चीज का क्योर करें, आप इलाज को पहले फॉलोअप कीजिए, ना कि जिस कद आप ट्रीटेबल ना रहें तो उस कद आप डॉक्टर्स के पास जाएं। जी, अच्छा, हमने ओल्ड एज की बात कर रहे थे इससे कबल, तो ये बताइएगा कि किस एज तक जो है ये इलाज जो है बुजुर्गों का वो हो सकता है, क्योंकि बोन्स जो हैं वो वीक हुई हुई होती हैं, तो उनको किस तरह से फिर आप ट्रीट कर रहे होते हैं? समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एंकल इशू भी हो जाता है, जो टखना है वो निकल जाता है, बुजुर्ग हैं उनको सही तरह से नजर नहीं आ रहा होता, गिर भी जाते हैं, तो फिर किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? देखिए, कायरोप्रैक्टर का मेन फोकस ही यही होता है कि वो आपकी बोन्स मजबूत करते हैं। अब हड्डियां जो हैं आपकी, सबसे ज्यादा रिच अमाउंट इसमें विटामिन डी और कैल्शियम है, बट हमारे यहाँ इधर प्रॉब्लम ये है कि हम कमरों की हद तक महदूद रह गए हुए हैं, हम सनलाइट एक्सपोज नहीं करवाते अपने जिस्म के साथ। पाकिस्तान तो बड़ा इस चीज के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि एवरी डे इज अ संडे, हमें हर दिन सूरज मिल जाता है, बट फिर भी हम कमरों की हद तक महदूद रह गए हुए हैं, ना हमारा एक्सपोजर पाक तक रह चुका हुआ है, तो हमें अपना विटामिन डी और कैल्शियम लेवल को बूस्ट ऑन रखना चाहिए। हम पेशेंट्स को जो ओल्ड एज में आते हैं, हम उनकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो अलाइनमेंट है स्पाइन की, बेशक जॉइंट्स की है या बेशक आपकी स्पाइन की है, तो उसको अलाइन करते हैं और वर्टेब्रास को अपनी जगह पे लेके आते हैं और आपकी डिस्कों को अपनी जगह पे लेके आते हैं, और अल्टीमेटली उस जगह का जो ब्लड का फ्लो है वो इन्हांस होना शुरू हो जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने बात की ना कि वाइटामिन डी वगैरह हमें सप्लीमेंट्स कौन से सजेस्ट करेंगे, और ये भी बता दें कि आप लोग स्पेसिफिक कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो पेशेंट्स का जब इलाज हो रहा होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है फिर उनको आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, हम एडवाइस करवा देते हैं आपको जो बोन से रिलेटेड सबसे ज्यादा विटामिन जो फॉलोअप रखने चाहिए पेशेंट्स को, वो विटामिन डी एंड कैल्शियम है। ये तो 40 साल तक के जो पेशेंट्स हैं उनको विटामिन डी और कैल्शियम अपना बूस्ट ऑन रखना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर ओल्ड एज या डायबिटीज में आ गए हैं तो विटामिन बी12 भी आपको इसके साथ साथ अपना बूस्ट ऑन रखना चाहिए।
जी अच्छा, जैसे आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, बहुत सारे लोग जो हैं वो ई कॉमर्स वगैरह और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसको वो करने के बाद जो है उनका जो ये सिस्टम है प्रॉपर वो एक्टिव रहे? देखिए, अगर तो आपको घर में किसी वक्त भी कोई इशू आ जाता है और आप बहुत ज्यादा लैपटॉप पे, आप मोबाइल पे रात को लेट कर, मोबाइल यूजेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हमारी, तो आप अगर घर में रात में किसी टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम आ गई है तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप डॉक्टर पे उस टाइम नहीं अवेलेबल कोई कायरो, तो आप हीटिंग पैड यूज कर सकते हैं, गर्माइश ले सकते हैं, आप कोई भी घर में बॉटल गर्म करके पानी की उसको टकोर कर सकते हैं उस हिस्से की, ताकि फॉर द टाइम बीइंग उस एरिए की जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाए और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इनहांस हो जाए। बट इसके साथ साथ इधर एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा देखी है कि जब भी पेशेंट घर में कोई आजकल ऑइंटमेंट आती है पेन रिलीफ के लिए तो वो लगाते हैं और उसके ऊपर हीटिंग पैड भी यूज कर लेते हैं तो वो ब्लिस्टर कॉज करता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ऑइंटमेंट का तो ऑलरेडी अपना थर्मल इफेक्ट जा रहा है, तो जब भी आप हीट लें तो आपने पहले हीट लेनी है 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, और उसके आधा घंटा वेट करने के बाद आप ऑइंटमेंट इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको छाला ना बन सके। जी ठीक है, जैसे आपने बात की ना कि सप्लीमेंट्स वगैरह रिकमेंड भी करवा दिए जाते हैं, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक फूड, किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए ताकि जो हमारे बॉडी का सिस्टम है वो ठीक रहे, ब्लड का फ्लो है वो बेहतर रहे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मैं कहूंगा कि आपका जो खालस फूड है जिसमें दूध शामिल है, जिसमें आपके जो ये फास्ट फूड है वो अवॉइड कीजिए, अपनी जो आपका जो दूध है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, अपनी डेली डाइट में दूध का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जो कैल्शियम है आपका, और उसके साथ साथ फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखिए अपनी डाइट में, और आप ये जो फास्ट फूड जो बादी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए पेन से बचने के लिए। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को जैसा माइग्रेन होता है, सर दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रही है, तो वो पेन किलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से ये बताइएगा कि मतलब पेन किलर्स किस हद तक हम ले सकते हैं, कितनी जो है स्पेसिफिक अमाउंट तक? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरा वीक है जी, हमारा हेक्टिक डे गुजरा है और पूरा वीक बिजी है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, पेन किलर्स लिए जा रहे हैं हम अपने आप को ताकि हम थोड़ा सा पुरसकून हो सके, उस दर्द तकलीफ से आराम मिल सके, तो इस पर क्या कहेंगे आप और कैसी टेक्निक जो है अपनाई जाए ताकि जो है हम रिलीफ हासिल कर सके? देखिए, इसकी रूट कॉज देखनी है कि अगर तो डेली रूटीन आपकी हेक्टिक है बहुत ज्यादा, ऑफिस वर्क या बिजनेस आपका बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो वो स्ट्रेस लेवल को भी कम किया जाए पहले, तो जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपका विटामिन डी डेफिसिट करता है। बट जो मेन क्वेश्चन है आपका कि अपनी रूटीन को आप लोग घर में कैसे मेंटेन कीजिए कि ताकि आपको ये पेन्स ना आए, जैसे कि मैं पहले बता दिया कि अगर तो आपको पेन्स आ रही हैं तो आप हीटिंग पैड यूज कर सकते हैं, बट आपको अपनी हेल्दी डाइट और सुबह के टाइम वॉक अपनी शेड्यूल कीजिए, नेचर ऑफ लॉ को अपनाइए ताकि ये जो बॉडी पेन्स हैं, हेक्टिक है, ये आपकी रूटीन ईजी हो जाए और आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकें अपने। जी ठीक है, अच्छा और मजीद कुछ टिप्स जो है नाज़रीन को अगर आप दे दें डेली लाइफ रूटीन के लिए ताकि जो है वो उसको फॉलो करते हुए बेहतर जो है लाइफ को अपनी गुजार सकें और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी डील कर सकें। देखिए नाज़रीन, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अपनी हेल्दी फूड को अपनाइए, अपनी वॉक को डेली रूटीन में रखिए, अपनी स्किन को सूरज के साथ एक्सपोज कीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए और पेन किलर्स को जितना मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून तो समझ आती है कि आपको कोई पेन हुई और आपने पेन किलर ले ली, बट अगर आप डेली रूटीन में ही इस प्रैक्टिस में आ गए हैं तो इनिशियली पहले तो आप अपना लिवर खराब करेंगे, फिर अपनी किडनीज खराब करेंगे, तो फोकस रखिए अपनी स्पाइन को अलाइन करने के लिए ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, असल में आपकी जो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर रखिए ताकि आपके जो ये बॉडी पेन्स के इश्यूज हैं वो मत आएं और उसके साथ साथ अपने विटामिन लेवल्स को बूस्ट ऑन रखें। ठीक है, डॉक्टर असद मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत